हेलो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं घुटने के दर्द घुटने की सूजन और ऑस्ट्रो की समस्या के अंदर जो घुटने का कार्टिलेज डैमेज होता है कि घुटने का कार्टिलेज क्या होता है और इस कार्टिलेज को हील करने के लिए फास्ट रिपेयर करने के लिए हम एक्सरसाइज के साथ जो सप्लीमेंट पेशेंट को सजेस्ट करते हैं वो सप्लीमेंट कौन से होते हैं तो अगर आपके घर के अंदर कुछ ऐसे पेशेंट हैं जो अर्थराइटिस की समस्या से परेशान है घुटने की सूजन और दर्द से परेशान है तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और अगर हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को दोस्तों घुटने में दर्द सूजन और ऑस्ट्रोथैटिक्स की समस्या के अंदर जो कार्टिलेज डैमेज होता है इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले घुटने के स्ट्रक्चर को समझना होगा हमारे घुटने का जो जॉइंट है वो तीन बोन से मिलकर बना होता है सबसे पहली बोन होती है हमारी थाई बोन दूसरी बोन होती है हमारी शिन बोन यानी हमारी लेग बोन और तीसरी होती है जो थाई बोन के ऊपर ग्लाइड करती है हमारी पटेला बोन जब भी हम अपने घुटने को मोड़ते हैं चलते हैं तो ये पटेला बोन इस तरह से ग्लाइड करती है और हमारी जो थाई बोन है वो हमारी शिन बोन यानी टीबिया के ऊपर इस तरह से रोटेट होती है जब भी हमें कोई ऑस्ट्रोएथराइटिस की समस्या होती है या फिर कोई स्पोर्ट्स इंजरी हो जाती है तो इस बोन के एंड रेंज पर एक कवरिंग होती है जिसे हम लोग कार्टिलेज कहते हैं ये कार्टिलेज हमारे घुटने के ज्वाइंट के गैप को मेंटेन रखने का काम करती है एक फ्रिक्शन लेस मूवमेंट देती है जब भी हम चलते हैं दौड़ते हैं लेकिन जब कोई इंजरी होती है या फिर कोई डिजेटिव कंडीशन यानी कि अर्थराइटिस की समस्या होती है तो ये कार्टिलेज धीरे धीरे घिसना शुरू हो जाती है जिसके कारण जब भी हम मूवमेंट करते हैं तो बोन के आपस में फ्रिक्शन होता है और पेशेंट को दर्द और सूजन का सामना करना पड़ता है वहीं यंग एज के अंदर भी हमें कार्टिलेज डैमेज देखने को मिलता है और ये कार्टिलेज डैमेज हमें पटेला और हमारी थाई बोन के ऊपर देखने को मिलता है जब भी यंग एथलीट होते हैं वो बिना किसी वार्म अप के या फिर टाइट कॉडिसप्स मसल्स के साथ दौड़ना शुरू कर देते हैं तो ऐसे केसेस के अंदर हमें पटेला फिमोल सिंड्रोम की फाइंडिंग देखने को मिलती है और इस कंडीशन के अंदर हमारे पटेला के पीछे की जो कार्टिलेज होती है और हमारी थाई बोन के ऊपर जो कार्टिलेज होती है ये दोनों कार्टिलेज डैमेज हो जाती है और जब भी कोई मूवमेंट करता है एथलीट तो ये दोनों बोन आपस में भिड़ती है ऐसी कंडीशन के अंदर पेशेंट को अपने घुटने में से आवाज भी आती है और किसी रनिंग के में पार्ट लेने में या फिर सीढ़ी उतरने चढ़ने के अंदर भी उसे दर्द और सूजन का सामना करना पड़ता है दोस्तों यंग एज के अंदर जो कार्टिलेज डैमेज होता है या फिर ओल्ड एज के अंदर जो कार्टिलेज डैमेज होता है ऑस्ट्रोथराइटिस के कारण इस कार्टिलेज डैमेज को रिपेयर करने के लिए हमारी बॉडी द्वारा ग्लूकोसामाइन और कॉन्ड्रोटिन एक नेचुरल कंपोनेंट होते हैं जो रिलीज किए जाते हैं जो हमारी कार्टिलेज को हेल्दी रखने के लिए काम करते हैं वही हमारी कार्टिलेज की स्वेलिंग को और पेन को कम करने के लिए भी इन दोनों कंपोनेंट का काफी बड़ा रोल होता है तो हमारे दोस्तों जब भी हमारे क्लिनिक पर घुटने के दर्द घुटने की सूजन और ऑस्ट्रोअिस के समस्या वाले पेशेंट आते हैं तो ऐसे पेशेंट के कार्टिलेज को रिपेयर करने के लिए उनके घुटने की सूजन को कम करने के लिए हम लोग फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के साथ में उन्हें हिमालयन ऑर्गेनिक्स का ग्लूकोसामाइन कॉलोटिन और एमएसएम वाला कॉम्बिनेशन वाला सप्लीमेंट देते हैं जो कि उनकी कार्टिलेज को हेल्दी रखने में वहाँ के डैमेज को रिपेयर करने में घुटने की सूजन को कम करने और घुटने के पेन को कम करने के अंदर काफ़ी हेल्पफुल होते हैं इस ग्लूकोसामाइन और क्वेटिन के कुछ रिसर्चेज भी हैं जो भी आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर जिन लोगों ने अपने घुटने के दर्द और घुटने के अर्थराटिक्स की समस्या के अंदर इन सप्लीमेंट को लिया है उन्हें भी काफ़ी अच्छा आराम देखने को मिला है अपनी कंडीशन के अंदर तो अगर आप इस प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहाँ भी जाकर आप इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं मार्केट के अंदर जो बाकी जो प्रोडक्ट होते हैं और ये हिमालयन ऑर्गेनिक्स में क्या बड़ा डिफरेंस जो मुझे देखने को मिला है वो ये है कि ज़्यादातर जो बाहर के प्रोडक्ट होते हैं वो एनिमल बेस्ड होते हैं वेजिटेरियन नहीं होते हैं लेकिन हिमालयन ऑर्गेनिक जो है ये हंड्रेड परसेंट वेजिटेरियन है जिसे आप इजीली रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं तो उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा बनाया गया ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस वीडियो को जरूरतमंद तक लोगों के साथ में शेयर जरूर करिएगा तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में